welcome to my channel easy way of learning English in this video lecture we learn past indefinite tense rules structures and concept how to identify past indefinite tense past indefinite tense represents an action occurred in the past or a habit of the past and past form or second form of the main verb is used past indefinite tense पास टाइम में गुजरे हुए ज़माने में किसी एक्शन को किसी कार्य को बताता है या किसी की आदत जो होती है वो गुजरे हुए ज़माने की भूतकाल की उसको भी हम पास्ट एंड टेंस में ही बनाते हैं पास्ट एंड टेंस में ही लिखते हैं और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हिंदी में हम इसे कैसे पहचानेंगे जब हम हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी ते थे या था थी ये थे आई ई ए आदि शब्द आते हैं अब पास्ट एंड टेंस के रूल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं रूल वन है इन अफॉर्मेटिव सेंटेंसेज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज जब हम पास्ट एंड टेंस का अफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है मेन वर्ब का रूल टू इन नेगेटिव सेंटेंसेस डेट इज़ यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बट विद द वर्ड नेवर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डेड का यूज किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं डेड नाट के साथ लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ड नेवर मतलब कभी नहीं आया है नेवर वर्ड आया है तो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और डेड नाट का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे नेक्स्ट है इन इंट्रोगेटिव टाइप वन सेंटेंस डेड इज़ यूज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेटिव टाइप वन में डेड का यूज़ सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में बिगनिंग में किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज़

ही गेव मी अ पेन योर स्टडी उसने मुझे कल एक पेन दिया तो इसमें ही सब्जेक्ट है और गेव वब की सेकेंड फॉर्म है वब की फर्स्ट फॉर्म इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिव और इसका सेकेंड फॉर्म है गेव मीन्स दिया पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट है शी वन टू डेली टू सी हर फादर वो अपने पिता से मिलने डेली गई तो यहाँ पर शी क्या है सब्जेक्ट वेंट है गो का सेकंड फॉर्म गो मींस जाता है या जाती है और वेंट मींस गया या गई कहाँ गई डेली टू सी ए फादर अपने पिता से मिलने आई हेल्प्ड माई ब्रदर मैंने अपने भाई की मदद की तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आए हेल्प्ड क्या है हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प मींस होता है मदद करना और हेल्प्ड मींस मदद किया किसकी मदद की है ऑब्जेक्ट क्या है माय ब्रदर अपने भाई की कोमल ब्रॉड एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट कोमल मार्केट से एप्पल्स लेकर आई सेब लेकर आई तो यहाँ पर कोमल क्या है सब्जेक्ट ब्रॉड ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है लाना और ब्रॉड मीन्स लाई या लाया क्या लेकर आई ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल्स सेब लेकर आई दे यूज टू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली वो रोज़ाना सुबह टहलने जाया करते थे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक वर्ड यूज़ टू का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट की हैबिट बताई जा रही है एक ऐसी आदत के बारे में बात बताई जा रही है जो पास्ट में थी लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है इसलिए यहाँ पर यूज़ टू के साथ वो की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज़ किया गया है यू रोट एन ऐसे तुमने एक निबंध लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यू रोड है राइट right की सेकेंड फॉर्म राइट मीन्स होता है लिखना रोड मीन्स लिखा क्या लिखा ऑब्जेक्ट क्या है एन ऐसे एक निबंध लिखा वी वर्कड हार्ड टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन हमने बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए बहुत मेहनत की तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वी वर्ब क्या है मेन वर्ब। वर्कड हार्ड वर्क हार्ड मीन्स होता है मेहनत करना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वर्कड हार्ड मीन्स मेहनत किया किस लिए मेहनत किया टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड की देखते हैं पास इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है सब्जेक्ट फिर डेड फिर नॉट फिर वी वन यहाँ पर मैंने वर्क की फर्स्ट फॉर्म को वी वन से डिनोट किया है और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर ही ऑब सब्जेक्ट है यहाँ पे और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डिड नॉट आया है और उसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉ दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट है आई नेवर केम लेट मैं कभी भी लेट नहीं आई इसमें सब्जेक्ट है आए वर्ड नेवर के साथ यहाँ पर वो की सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है केम क्योंकि नेवर के साथ डेट का यूज़ नहीं करते हैं द प्यून डिड नाट रिंग द बेल चपरासी ने घंटी नहीं बजाई तो द प्यून सब्जेक्ट है फिर डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग ऑब्जेक्ट है द बेल अली डिड नॉट गो आउटसाइड टू तो प्ले फुटबॉल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अली फिर डिड नॉट लगाया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो फिर कहाँ नहीं गया आउटसाइड क्या करने नहीं गया टू तो प्ले फुटबॉल द तो कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर यहाँ पे द कारपेंटर सब्जेक्ट है डिड नॉट लगाया गया क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक मेक मीन्स होता है बनाना दिस चेयर ऑब्जेक्ट है मतलब बड़े ने यह कुर्सी नहीं बनाई यू डिडन बाय दिस का यू सब्जेक्ट है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे डिडंट यूज़ किया गया डिडंट जो है वो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रेक्शन है By, यहां पे मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है है. वो आगे की पढ़ाई के लिए abroad यानी विदेश नहीं गया तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बाद डिडंट मतलब डिड नॉट गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कहा नहीं गया abroad मतलब विदेश क्या करने टू गेट further एजुकेशन आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए या आगे की पढ़ाई कर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरगेटिव टाइप वन सेंटेंस स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिखते हैं डेड फिर सब्जेक्ट फिर अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट पी वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस है डेड मोहन नॉट पुट ऑन दिस कैप क्या मोहन ने इस टोपी को नहीं पहना तो यहाँ पे डेड सबसे पहले यूज़ किया गया उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का यूज़ किया गया क्योंकि ये नेगेटिव भी है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑन और दिस गैप है ऑब्जेक्ट डिड यू गो टू स्कूल यूर क्या तुम कल स्कूल गए थे तो यहाँ पे भी सबसे पहले डिड सब्जेक्ट है यू फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो कहाँ गए थे स्कूल डिड यू स्लीप लास्ट नाइट क्या वो कल रात सोया था तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे डिट का यूज़ किया गया फिर सब्जेक्ट ही फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप इसमें कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इसे डिट का इस्तेमाल किया गया है इसमें सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में डिड यू लिव इन डेली यहाँ पे भी क्या वो डेली में रहता था डिट सबसे पहले उसके बाद सब्जेक्ट ही फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव कहाँ रहता था इन डेली डिड दे गो टू सी एग्जिबिशन क्या वो लोग एग्ज़िबिशन देखने गए थे नुमाइश देखने गए थे सबसे पहले डिड सब्जेक्ट है दे वो अब की फर्स्ट फॉर्म है गो कहाँ गए थे टू सी एग्ज़िबिशन डिड द चाइल्ड नॉट फियर टू सी द स्नेक क्या बच्चा सांप को देखकर नहीं डरा था ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है इसलिए इसमें सबसे पहले डिड का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट है द चाइल्ड उसके बाद क्योंकि ये निगेटिव है तो सब्जेक्ट के फ़ौर बाद नॉट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फियर टू सी द स्नै क्या देख कर सांप देख कर डेड योर फादर स्कॉल्ड यू क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें डांटा यहाँ पे भी सबसे पहले डेड फिर सब्जेक्ट है योर फादर स्कॉल्ड है मेन वर्ब और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट है यू डेडी ईट एन एप्पल क्या उसने एक सेब खाया यहाँ पे भी सबसे पहले डेड फिर सब्जेक्ट है ही ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन एप्पल ऑब्जेक्ट से इंटरगेटिव टाइप टू सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर डेड फिर सब्जेक्ट फिर अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट फिर वी वन फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस है you take? तुमने किसका पेन लिया तो हुज एक क्वेश्चन वर्ड है और हुज के साथ जो नाउन आता है वो उसके साथ ही लिखा जाता है डिड यू टेक डेड लगाया गया यू सब्जेक्ट टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुमने किसका पेन लिया हाउ मैनी रुपीज डिड यू टेक फ्रॉम हिम हाउ मैनी रुपीज हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड है रुपीज नाउन है तो हाउ मैनी के साथ भी जो नाउन आता है वो उसके साथ ही लिखते हैं उसके बाद क्योंकि एक पास डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डिड लगाया है हेल्पिंग वर्ब की तरह सब्जेक्ट है यू और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक वाई डिड टीचर बीट यू टीचर ने तुम्हें क्यों मारा वाई क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद डेड टीचर सब्जेक्ट बीट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू ऑब्जेक्ट हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तुमने इस परेशानी को कैसे हल किया यहाँ पर भी हाउ क्वेश्चन वर्ड उसके फौरन बाद डेड सब्जेक्ट यू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सॉल्व उसके बाद क्या सॉल्व किया दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट वेयर डिड यू फाइंड योर पेन तुम्हें तुम्हारा पेन कहाँ मिला या तुम्हें अपना पेन कहां मिला? तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड है वेयर उसके बाद डेड सब्जेक्ट लिखा गया यू फाइंड मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म योर पेन ऑब्जेक्ट इट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन प्रैक्टिस